हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खुश हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो आज हम लेंगे हनुमान बाबा के मैसेज कि हनुमान बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच जिसने सब्सक्राइब किया है, जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू कि वो मुझे सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हम पहले लेंगे ओशो से कि कार्तिकेय हनुमान बाबा हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आज ट्यूसडे है तो प्लीज़ आप, आपको थोड़ा सा यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि आपको अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप अपनी हेल्थ को काफ़ी इग्नोर करते हो, लेकिन यहाँ पर आप बहुत पैशनेट के साथ आगे चल रहे हो, अपने करियर में वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शेयरिंग, शेयरिंग का कार्ड आया है आपका फर्स्ट। ओके, आप हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने करियर में सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत उस चीज़ को लेके आप बहुत खुश हो रहे हो और उसको शेयर भी कर रहे हो। फाइनली आप जिस चीज़ की हनुमान बाबा से आपने जो भी विश मांगी थी, फाइनली वो आपको मिलने वाली है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो चीज़ें आपने मांगी थी हनुमान बाबा से, वो सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा आपके आप बहुत ज़्यादा मतलब किसी चीज़ को लेके वरी हो रहे थे बहुत ज़्यादा आप उस चीज़ को, कि मुझे फाइनली ये सब चीज़ें, एक वो होता है ना इम्पेशेंस होना, कि वो पेशेंस आपके अंदर शायद मुझे खोता हुआ सा नज़र आ रहा था। तो वो हनुमान बाबा आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखने की कोशिश करो और उस चीज़ को मतलब एक होपफुली आप अपने करियर की तरफ, अवर्नेंस की तरफ आगे लेके चलो और वो चीज़ें आपको फाइनली मिल रही है। हनुमान बाबा बोल रहे हैं एक लाइट और एक प्रकाश की तरफ आप आगे की तरफ जा रहे हो। क्रिएटिविटी का लास्ट कार्ड आया था आपके, क्रिएटिविटी का आपके अंदर एक हनुमान बाबा की तरफ से बहुत सारी, जैसे आपकी चक्रा जो होते हैं ना, आपके चक्रा एक्टिव हो रहे हैं यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं। तो उन सब चीज़ों से आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी अप होएगी, ठीक है, और आप अपनी क्रिएटिविटी को एक मतलब एक शेयर करोगे सबके बीच में। आपकी जो आपके अंदर की खूबियां हैं, आपके अंदर की जो काबिलियत है, वो सब चीज़ें अब आप बाहर लाने वाले हो और मतलब फाइनली वो पब्लिक के बीच में अब वो आप शेयर करने वाले हो उस चीज़ को, ठीक है। अब हम लेते हैं टेरो से कि टेरो आपको क्या बोलते। ओके, इसका कार्ड्स आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आपका सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स आपका ये बता रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपने जो अपने अंदर दबा रखी थी, ठीक है, ले रखी थी, आप खोल नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे उन सब चीज़ों को, वो अब आप उन सब चीज़ों को है ना बाहर लेके आने वाले हो, ठीक है। वो आपकी आपकी जो होती है ना एक गिवर नेचर होता है, लोगों को देना, केयर करना, उनकी उनकी सारी प्रॉब्लम को अपना समझना, तो यहाँ पर हनुमान बाबा बोल रहे हैं कि वो सारी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ों को शेयर करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ जो काफ़ी टाइम से आप सफ़र कर रहे थे उस चीज़ में, तो वो सारी चीज़ें अब आपकी, वो एक टाइम पीरियड था वो निकल चुका है आपका, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपकी हेल्थ मनी वाइज बहुत एक बैलेंसिंग मोड में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपके चक्र काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, आपको किसी सेड एनर्जी से निकाला जा रहा है, बहुत सारी चीज़ों को आपको दिया जा रहा है आपकी लाइफ में, जिससे आप सेलिब्रेट कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, आगे की तरफ ग्लो हो रहे हो, ग्लो एक होता है, और फाइनली उन सब चीज़ों को आप दूसरों के बीच में भी शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी आपकी एक, ओ डेक का लास्ट कार्ड था जजमेंट, जजमेंट का कार्ड जो भी आपने प्रेयर की थी ना डियर, वो पूरी भगवान ने, हनुमान बाबा ने आपकी सुनी है और फाइनली आप उस चीज़ तक पहुँचे हो जिस पे आप जाना चाहते थे, जिसे आप पाना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक छोटी सी शॉर्ट सी रीडिंग थी आपके लिए, आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ओके देन, बाय, थैंक यू सो मच।